हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 9 सितंबर 2022, दिन है फ्राइडे और आज हम करने जा रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पेज पे स्लेवरी सिंबलिक हिस्ट्री। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ को इनॉग्रेटेड किया है और उन्होंने कहा है कि स्लेवरी की सिंबल ऑफ हिस्ट्री हो चुकी है। इसके साथ ही कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भी बात की गई है। इसके थ्रू रिवैम्प किया गया कर्तव्य पथ को, अनवील किया गया नेताजी की स्टैचू को, बहुत सारे कार्य किए गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके राइट हैंड साइड पे क्वीन एलिजाबेथ टू मोनार्क्स हु रूल्ड फॉर 7 डेकेड डाइज। क्वीन एलिजाबेथ की मौत हो चुकी है, वो 7 डेकेड या 70 साल के से रूल करते थे। इसके साथ ये आर्टिकल दिया गया है, आप इसे सेल्फ नॉलेज से पढ़ सकते हैं। ब्रेक थ्रू इन लद्दाख, इंडिया एंड चाइना ट्रूप डिस इंगेज इन गोगरा हॉट स्प्रिंग। आने वाले वक्त पे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है उज्बेकिस्तान पे, उसके रिलेटेड या उससे पहले इंडिया और चाइना ने डिस इंगेज किया है लद्दाख पे। आई ऑन चाइना, जापान एंड इंडिया बूस्ट टू डिफेंस टाइज। चाइना को नजर रखते हुए जापान और इंडिया अपने बूस्ट करने वाले हैं डिफेंस ट्राइज को, इसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया है। उसके राइट हैंड साइड पे 10% कोटा फॉर ईडब्ल्यूएस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जामिन करेगा अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता होगा कि अगर 10% रिजर्वेशन दिया जाए ईडब्ल्यूएस कोटे पे। विथ माइक्रो फॉरेस्ट हाउ ए डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब स्पेंड इट्स ग्रीन कवर। ये एक पंजाब के डिस्ट्रिक्ट है जो अपने माइक्रो फॉरेस्ट के द्वारा कैसे ग्रीनरी बढ़ा रही है, उसके रिलेटेड आर्टिकल है। पंजाब की फजील का डिस्ट्रिक्ट है, उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये फ्रॉम वन पेज है, तो इस पे जितने भी फर्स्ट पेज के आर्टिकल्स होते हैं वो सब आप पढ़ सकते हैं। अब ये सेल्फ नॉलेज से आप पढ़ें। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। मीट द श्रमजीवी हाईलाइट इन पीएम स्पीच। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्रमजीवी से जो सेंट्रल विस्ता के एवेन्यू के रिवैम्प पे कार्य कर रहे थे उनसे भी मुलाकात की और उसके साथ ही अपने हाईलाइट किया स्पीच पे कि हमारे कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके रिलेटेड आर्टिकल दिया है। वी आर गोइंग टू राइट हिस्ट्री ऑफ कंट्रीज ग्रोथ, पूरी कॉल फॉर प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हरदीप सिंह पुरी है हाउसिंग एंड अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट के मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि हम इतिहास लिखने वाले हैं कंट्री की ग्रोथ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे हम उन्हें सारे को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये एक पेज पे फोटो दिया गया है कि वो कैसे अफ्रीकन चीता अब इंडिया में मध्य प्रदेश पन्ना नेशनल पार्क में आने वाले हैं, तो उसके रिलेटेड की आर्टिकल है। वो सितंबर 17 को पन्ना नेशनल पार्क में आएंगे, कुनाओ नेशनल पार्क में आएंगे। वाइल्ड लाइफ पैनल्स ऑफ के आई एफ बेस अदर इंफ्रा इन लद्दाख सेंचुरी नियर एलएसी। वाइल्ड लाइफ पैनल ने ओके किया है आईएएफ के बेस को जो लद्दाख में होने बनने वाली है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। पोस्ट बास्केट फॉर पेशेंट्स जॉब ट्रेनिंग फॉर केनी इट बीट फॉर टीबी मुक्त भारत। पोस्ट बास्केट जो पेशेंट के लिए होना चाहिए और जॉब ट्रेनिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है, उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर एक पिक दिया गया है कि हसीना एट अजमेर शरीफ। बांग्लादेश की पीएम जो शेख हसीना है वो अजमेर शरीफ राजस्थान को पहुंच चुकी है, उसके एक फोटो दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इंडिया स्लिप टू प्लेसेस ऑन एचडीआई आज ए कोविड-19 रिजर्व ग्लोबल गेन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी हो चुका है, इंडिया इस साल 132 रैंक आया है जो 2021 पे स्लिप कर चुका है दो स्थान, उसके रिलेटेड आर्टिकल दिया गया है कि जैसे कोविड-19 के बाद इंडिया का दो रैंक नीचे आ चुका है। इसमें टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने और
नॉर्वे, आइसलैंड और हांगकांग ऑस्ट्रेलिया जो टॉप 5 कंट्रीज है उसके रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल दिया है। इस एग्जाम प्रोस्पेक्ट फीस है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पेज पे, इंडियन एक्सप्रेस की नेशनल एंड नेरोनेशन जो पीएम फ्रेम हिज ग्रांड प्रोजेक्ट टू इंश्योर एंड कंस्ट्रक्शन टू गेट सेंस ऑफ इट्स चैलेंजेस ऑपोजिशन नीड टू लर्न लिसनिंग इन, जो कर्तव्य पद का नाम चेंज किया राजपथ से कर्तव्य पद, उसके रिलेटेड आर्टिकल है कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने वाली रास्ते को रीनेम करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे कॉलोनियल एरा के माइंडसेट को चेंज करना है कि कॉलोनियल एरा से जो भी जितने भी सिंबल या कोई भी तरह की लगाव है उन्हें हटा दे के फुल्ली इंडियनाइजेशन किया जा सके। गोल्डन चैप्टर कंटिन्यूज, ये इंडिया बांग्लादेश के टाइज जो ग्रोन हो रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना इंडिया के 4 दिन के दौरे पे हैं, तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया है कि कैसे गोल्डन चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच पे, ये पूरा आर्टिकल उसी के रिलेटेड है, आप सेल्फ नॉलेज से पढ़ सकते हैं। सोरिंग एमएसएमई लोन पीक टू कंटिन्यू डिस्ट्रेस द सीमर इन लेबर मार्केट पेन टू फोर, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि एमएसएमई की 6 कंपनी पे 2.8 लाख करोड़ की लोन है, उन्हें कैसे एनएफपी नॉन फंक्शनिंग एसेट पे करा जाएगा और उससे नेशनल गारंटी ट्रस्ट कंपनी बनाई जाएगी, उसके रिलेटेड आर्टिकल दिया गया है। उसके राइट हैंड साइड में ये सुइटेबल टीचर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके रिलेटेड आर्टिकल है कि उसे कैसे सक्सेस करने के लिए टीचरों की जरूरत होगी और उन्हें कैसे डिपेंड होना पड़ेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, कितने सारे बर्डन होंगे उन टीचरों पे, उसके रिलेटेड आर्टिकल दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, मॉडर्न एंड रूटेड, 2014 के बाद में कितने सारे बदलाव किए गए, ओल्ड पॉलिटिक था, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को बनाया गया, उसके रिलेटेड आर्टिकल दिया गया है कि कैसे 2014 के बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगुवाई पे देश आगे बढ़ रहा है और नए नए चीजों को सक्सेस हो रहा है, उसके रिलेटेड ये आर्टिकल है, अब इसे सेल्फ नॉलेज से पढ़ सकते हैं। द रोड टू कर्तव्य पद, जो कर्तव्य पद है उसका पहला नाम राजपथ था, उसे बदल के कर्तव्य पद बनाया गया जो कॉलोनियल माइंडसेट को कंबाइटिंग करता है, उसके रिलेटेड आर्टिकल है, ये भी एक अच्छी आर्टिकल है, अब इसे सेल्फ नॉलेज से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो एक्सप्लेन की है क्या ऑनियन ब्लड शुगर कमा सकता है, उसके रिलेटेड स्टडी कहती है तो हाँ, पर डॉक्टर फाइंडिंग करना चाहते हैं टेस्ट करके कि इंडिया में क्या ये सक्सेस है कि ब्लड शुगर को प्याज कम कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट राइट हैंड साइड के आर्टिकल्स में, पाक फ्लोर्स एंड इंडिया रेस्पॉन्स, पाकिस्तान पे अभी बहुत भारी फ्लोर्स आई है तो उसके रिलेटेड इंडिया ने जो रेस्पॉन्स किया है उसके द्वारा ये आर्टिकल दिया गया है कि से इंडिया और पाकिस्तान की इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड हो सकती है, उसके रिलेटेड ये आर्टिकल है। चाइनीज सोलर पावर्ड सेमी सैटेलाइट ड्रोन, चाइना अब फुल्ली सक्सेसफुल हो चुका है सोलर पावर अनमैन व्हीकल को फ्लाई करने के लिए, वो भी सोलर पावर के द्वारा, इसके रिलेटेड आर्टिकल दिया गया है। इन सार्फ स्लाइड इन ग्लोबल ऑयल प्राइस होप फॉर ईजिंग ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, ग्लोबली ऑयल प्राइस के दाम थोड़े से कमे हैं तो कैसे वो इंडिया को हेल्प हो सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, उसके रिलेटेड ये आर्टिकल है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड पेज पे, एलिजाबेथ क्वीन हु मूव्ड विद चेंजिंग वर्ल्ड फॉर डेकेड, एलिजाबेथ क्वीन द्वितीय जो उनकी डाइड हो चुकी है तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल है, कैसे वो वर्ल्ड को बदलते हुए देखे हैं और उन्होंने क्या क्या अचीव किया है अपने पूरे लाइफ स्पेन में। यूके ओके सेल ऑफ F-16 इक्विपमेंट टू पाक, यूके ने ओके किया है सेल F-16 की जो मेंटेनेंस के लिए इक्विपमेंट होते हैं या उनके जो भी जरूरत होती है मेंटेनेंस में इक्विपमेंट उसको पाकिस्तान को देने के लिए ओके हो चुका है। ये 450 मिलियन की डील है जो पाकिस्तान और यूएसए के बीच में हुआ है। गोटाबाया न्यूफ्यू अमंग द 37 MOC अपॉइंटमेंट इन श्रीलंका, श्रीलंका में जो गोटाबाया के
वांजे थे उसके साथ में 17 मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपॉइंट हुए हैं जो उनके कैबिनेट को विस्तार किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे इकोनॉमिक के। सेंट्रल स्टेट नीड्स टू वर्क टूगेदर टू हैंडल इन्फ्लेशनरी मैटर। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि सेंट्रल और स्टेट को एक साथ काम करना चाहिए इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। और उसके राइट हैंड साइड में इन्फ्लेशन एट हाफ सेंचुरी हाई, ईसीबी गोज फॉर द 75 बीपीएस रेट। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने राइज किया है अपने इंटरेस्ट रेट को 75 बेसिस पॉइंट पे। तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल है कैसे यूरोप में इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सके। नॉन बासमतिक राइस 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉन बासमती राइस पे 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज किया, उसके रिलेटेड आर्टिकल दिया गया है। गूगल प्ले स्टोर एड फैंटेसी गेम रूमिर ऐप फॉर 1 ईयर। गूगल पे ने प्ले स्टोर ने एड किया फैंटेसी गेमिंग एंड रूमी एप्स को 1 साल के लिए कि वो गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसी को वायलेट करते थे। तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल है कैसे गेमिंग ऐप गूगल पे वहां पर पॉलिसी को वायलेट करते हैं। उबर पायलट बस सर्विस इन ओरेगॉन। उबर ने अपने बस सर्विस को शुरू किया है जो पायलट प्रोग्राम पे है। वो गुड़गांव में अगर सक्सेसफुल होंगे तो फिर वो अलग अलग जगहों पे शुरुआत किया जाएगा। उसके नीचे ही एक आर्टिकल है 30K करोड़ रेवेन्यू आइड ऑफ 300 अपकमिंग कार्गो टर्मिनल। इंडियन गवर्नमेंट ने रेलवे के जो जमीन लीज पे दे के उनसे 30K करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की गई है। उसके रिलेटेड के आर्टिकल है कैसे 300 कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे और उनसे 30,000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे इतने कुछ खास इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है। तो आज के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस पे इतने ही। थैंक यू। जय हिंद।